देखिए आर्ट रूम ऑफ सर्जरी, ये मतलब क्लास टेंथ की शॉर्ट स्टोरी का पहला चैप्टर है। शॉर्ट स्टोरी का आर्ट रूम ऑफ सर्जरी। ट्रिम माने विजय जीत पाना है, सर्जरी माने जानवरों का अस्पताल। तो जानवरों के अस्पताल में एक डॉग की क्या होती है, मतलब बीमारी सही हो जाती है, वो सही हो जाता है, उसको लेकर ये कहानी है। तो देखिए आई बाज रैली मैं रैली वास्ते में चिंतित था ट्रिकी के बारे में। इस बार आई हैड टू लीडर, मैं खींच चुका था अपनी कार से, उसे मैंने खींचा। जब मैंने देखा उसे, जब मैं अपनी कार से मतलब आया उधर नहीं उधर के, तो जब मैंने देखा उसे कि गली में देखा, स्ट्रीट मैंने गली में देखा, उसके मालकिन के साथ देखा। आई वाज शॉक, मुझे क्या लगा, शॉक धक्का लगा एट हिज एपियरेंस, के रूप देख कर। एपियरेंस माने क्या होता है, रूप, उसका रूप देख कर धक्का लगा कि वो कितना हेल्थी था। ही हैड बिकम, वो हो चुका है ह्यूगी माने क्या होता है, बहुत ही ताकतवर लग रहा था, मोटा और जैसे फूले हुए मांस की, मांस की तरह एक लेग माने एक पैर के साथ जैसे पूरा वो कोई मांस हो, प्रत्येक कोने पर ऐसा वो प्रतीत हो रहा था, बहुत ही मोटा था। मतलब ही जा, उसकी आंखें ब्लड से मतलब खून से भरी हुई लग रही थी, और रिमिट मतलब गठिया जैसे गाँठे बन चुकी थी उसके बॉडी पर, ऐसा लग रहा था। और वो इस टाइम माने बहुत ध्यान से देख रहा था सीधे आगे, और ही टोंग उसकी जीभ जो थी वो लपलपा रही थी, उसके जॉस माने जबड़ों से मतलब मिसेस पेम्परी जो है वो तुरंत ही ऐसा व्याख्या करती हैं, कहती हैं, उन्हें दावा किया कि ही बात सो लिस्टलेस की बह, मतलब इतना सावधान था मिसेस हैरिट को लेकर, और ही सीमें प्रतीत हो रहे थे, नो एनर्जी, कुछ में कोई एनर्जी नहीं रही। आई थॉट मैंने सोचा ही मस्ट बी सफरिंग की बह, कष्ट उसे सहना चाहिए, किससे, मुझे लगा कि साल वो कष्ट सहरा का मेल न्यूट्रिशन माने बताया गया कुपोषण, मतलब अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं जो हूँ उसे दे रही थी थोड़ा सा, मतलब उसकी मालकिन कहती है मुझे थोड़ा सा फालतू एक्स्ट्रा अलग से मतलब भोजन दे रही हूँ, किसके भी खाने वह उसे खाना देती है, कुछ मतलब माल्ट माने कुछ मतलब जौ का रस, कुछ जौ का रस देती है पीने के लिए, कॉड का लीवर ऑयल देती है, और एक बाउल एक कटोरा देती है किसी चीज़ का हॉर्लिक्स का रात में पीने देती है उसे, क्या बनाने के लिए, सिर्फ सुलाने के लिए, और कुछ अधिक रस देती वास्तव में कुछ और नहीं। एंड डिड यू कट डाउन, और वह और तुमने कम कर दिया है छोटी मीठी चीज़ें, मैंने जैसा कि मैंने तुझे बताया था कुछ मीठी चीज़ें उसके लिए मतलब कम करने के लिए, ओ आई डिड फॉर इट, मैंने थोड़ा किया है लेकिन प्रतीत होता है सो बिकी वो इतना कमज़ोर हो गया है, और मतलब ये मैं उसके मुझे उसके प्रति नरम होना पड़ा। ही डज लव है, प्रेम पसंद भी करता है, मतलब डॉग पसंद करता है, क्रीम केक पसंद करता है, चॉकलेट आदि, इसीलिए मैं दे नहीं सकता उसे मना करना, मतलब उसे मना नहीं कर सकती मैं, क्योंकि वो सब पसंद करता है, वो कमज़ोर दिख रहा था मुझे, इसलिए मैं उसे सब कुछ देती हूँ जो वो चाहता है। आई लुक, मैंने देखा उसे दोबारा थोड़ा मतलब कुत्ते को, दैट बार द टॉप है, परेशान लग रहा था, परेशानी था, परेशान था, और ट्रिकी का केवल इतना दोष था, फॉल्ट माने दोष या कमी होती है, इतना दोष था कि वो लाल ग्रीन माने लालची था खाने का, कि जो वो खाता था तो जो उसे मिलता वो खा लेता था, उसे इनकार नहीं करता था। ही हैड नेवर बीन नोन, वह कभी जान नहीं चुका मना करना खाने को, और वह टेबल मतलब खा लेता था खाना किसी भी घंटे दिन के या रात के, मतलब किसी भी टेबल से खाना मिले तो वो खा लेता था। और मैं आश्चर्यचकित हो गया था इन सब चीज़ों को लेकर, मिसेस पेम्परी जो है इसकी व्याख्या नहीं जिक्र नहीं कर पाई, क्या तुम दे रहे हो उसे अत्यधिक एक्सरसाइज देते हो, व्यायाम देते हो उसे। नेक्स्ट देखिए, पकड़ लो थोड़ा सा, देखिए बल ठीक है, ही हैज लिटिल वॉक, वह थोड़ा टहलता है मेरे साथ जैसे कि तुम देखते हो, लेकिन हॉटकिन जो गार्डन माली है वो मतलब नीचे लैम्बिग्यू मतलब एक मतलब उसके पीठ में कोई दर्द होता है, इसीलिए वहाँ पर कोई मतलब लेकिन वो कोई हल्का मतलब रिंग का मतलब कोई छल्ला टाइप का जो है वो भी नहीं फेंक रहा था, मतलब कुछ करना नहीं चाह रहा था, तो मैं उसे मतलब टहलाती कैसे, उसे एक साल कैसे कराती, कुछ करना नहीं चाह रहा था। आई ट्राई, मैंने कोशिश करी साउंड सेवन मतलब थोड़ा सा रखने की, शांत रखने की कोशिश करी। अब मैं रैली वास्तव में इसका मतलब जान समझता हूँ, यदि तुम जो हो कम नहीं करोगे उसका खाना राइट सही, यदि तुम उसका खाना कम नहीं करती हो सही रूप से तो तुम उसे दोगे आधे अक्सर व्यायाम, तुम्हें आधे व्यायाम देना चाहिए, और बहर इतनी तो बहर रैली वास्तव में क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, तुम्हें कठोर बना लेना चाहिए अपने हृदय को, और उसे रखना चाहिए बहुत ही स्टील माने कठोर डाइट माने सख्त खाने पर रखना चाहिए। मिसेस पेम्परी जो है मरोड़ती है अपना उसका अपना हाथ मरोड़ते हुए कहती है, ओ आई बिलोंग मैं करूँगी मिस्टर हैरिट के, मिस्टर हैरिट ने डॉक्टर से कहती है, आई एम श्योर मैं निश्चित हूँ तुम जो राइट सही हो सही कह रहे हो, और ये लेकिन ये क्या इतना डिफिकल्ट कठिन है, और ये बहुत इतना बहुत ही कठिन है। वह सेट ऑफ हेडप्रेस से नीचा कर लेती है और सड़क की और मानो वह निश्चय कर लेती है रखने का, न्यू क्यों नई खुराक देगी अभ्यास में तुरंत की प्रैक्टिस बने अभ्यास में।
आई वॉच इट, मैंने देखा उनकी प्रगति को देखा, मतलब ग्रोइंग ग्रो करते हुए बढ़ते हुए, मतलब बढ़ती हुई इच्छा को लेकर कि वो खाने की इच्छा करता है। ट्रिकी जो है टोटरिंग जो है लड़खड़ा रहा है, मतलब ट्रिकी जो है लड़खड़ाता है अकेले, उसके छोटे ट्वीट कोट मतलब एक प्रकार का कोट पहना हुआ है, और वह क्या रखता है संपूर्ण बेडरूम मतलब कोई मतलब बेडरूम मतलब जैसे कोई अलमारी में भरे हुए बहुत सारे कपड़े हों ऐसा वो रखता है। इनका कोट मान इन कोटों को अलमारी में भरकर रखती है फॉर द कोल्ड बार ठंडे मौसम के लिए उसके, और रेन कोट बरसात के मौसम के लिए रेन कोट रखती है, गीले मतलब बैड डेज का गीले दिनों का मतलब बरसाती दिनों के लिए। तो उसको इतने क्या करती है कि मौसम के हिसाब से अलमारी में उसके कपड़े भर रखे थे। स्ट्रगल वह संघर्ष करता है, ड्रॉपिंग झुकाता है अपने हार्नेस मतलब सावट को लेकर। और आई थॉट मैंने सोचा ये है कि ये लंबे समय तक ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैंने सुना था मिसेस पैम्परी से द एस्ट्रो जो आशा की गई थी वो आई थी कुछ दिनों के अंदर आ गई। मिसेस पैम्परी जो है वो डिस्टर्ब माने उदिंग मतलब वो चिंतित परेशान हो गई थी। टिर्की जो है वो कुछ भी नहीं खाएगा और मना कर देगा, उनके फेवरेट जिसको भी मना कर दे रहा था। इसके अतिरिक्त वह बाउंस ऑफ वुमेन उल्टियाँ कर रहा था, और ही स्पेंड वह बताता है पूरा समय लेटकर कहाँ पर रगमाने कंबल पर लेटकर अपना समय गुजार रहा था, हाँपते हुए पांटिक माने हाँपते हुए, और मतलब वो नहीं चाहता था जाना, टहलने के लिए भी जाना नहीं चाहता था, अब वो नहीं चाहता था कुछ भी करना नहीं चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान, मैंने अपनी योजना बनाई एडनपुर पहले से ही योजना बना रखी थी, केवल वो तरीका था उस तरीके को सही करने का, मतलब घर से गेट आउट मतलब बाहर करके एक समय के लिए थोड़ा समय के लिए वो मतलब घर से बाहर उसे ले जाएगी तो शायद वो सही हो जाए। और मैंने सुझाव दिया कि उसे क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल मतलब अस्पताल में एडमिट करना चाहिए, दाखिला करना चाहिए अस्पताल में, डॉक्टर की निगरानी में किसको लेकर फोर नाइट मतलब उस समय के उस रात को लिए रखने के लिए एक निरीक्षण के अंडर में, निरीक्षण के लिए। जो बेचारी स्त्री थी वो अत्यधिक बेहोशी हो रही थी, उसने सुना सीवा श्योर भय निश्चित थी कि भय दुखी हो जाएगी, मर जाएगी यदि वो नहीं देख पाएगी मतलब अपने रोजाना हर दिन उसे देख नहीं पाएगी। तो लेकिन आई ट्रिक मैंने क्या लिया, दृढ़ लाइन को लिया। ट्रिकी जो है वो क्या था, बहुत ही बीमार था, और ये क्या था केवल तरीका है उसे बचाने का। इन वास्ते मैंने सोचा कि सबसे अच्छा उसे ले जाना है, बिना देरी किए उसे अस्पताल ले जाना है, फॉलो करना है मिसेस पैम्परी के बैलेंस का, उन चीज़ों को लेकर आई मैचिंग। मैं आगे बढ़ी कार की और ले जाते हुए छोटे डॉग को जो मतलब रेप लिपटा हुआ था ब्लैंकेट माने कंबल में, और जो पूरा स्टाफ था वो भी भागा, नौकर थे वो भागे इन मतलब अंदर की और बाहर ला रहे थे उसकी, दिन का बेड बिस्तर भी करा रहे थे जो वो बेड पर लेटता था, रात का जो बेड और फेवरेट कशन गद्दे थे उसके, खिलौने थे रबड़ की और रिंग थे छल्ले थे, और ब्रेकफास्ट बॉल जो नाश्ता वाला कटोरा था और लंच का जो कटोरा था और सपर माने दोपहर के जो भोजन का जो उसका बाउल था कटोरा था, ये सब चीज़ों को लेकर आ रहे थे। रिलायंस माने महसूस करते हुए कि मेरी कार जो है कभी भी नहीं रखी जाएगी, उन सब चीज़ों को रख नहीं पाएगी। मैंने शुरू किया ड्राइव माने कार चलाना दूर, जैसे ही मैं मतलब घूमा मिसेस पैम्परी जो है वो एक डिस्पेयर माने मतलब निराशाजनक चलाती हुई रोती हुई आ रही थी, फेंक रही थी बाहों वाला पहनने वाला बाहों तक पहनने वाला छोटा कोई कोट विंडो से होकर उन्हें फेंका। आई लुक मैंने देखा दर्पण देखा इस हिस्से को पहले कि मैं मुड़ा कोने में किसके ड्राइव के चलाने को लेकर, हर व्यक्ति था वो मतलब आंसू में थे मतलब हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। और आउट ऑफ द रोड से बाहर मैंने देखा नीचे पैतृक दर्द भरी या देनी छोटी जानवरों को देखा जो हाँप रहा था सीट पर मेरी साइड पर मेरे पास बैठा हुआ था। मैंने थपथपाया और कसीर और टिर्की जो है एक वीरता से प्रयास कर रहा था अपने टैलपूज को मतलब हिलाने का, बेचारा लड़का। मैंने कहा यू हैव कि तुम मतलब तुम्हें ठोकर नहीं मारनी चाहिए यू तुम्हें, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं जानता हूँ मतलब तुम्हारे लिए ये क्या है क्योर है, तुम्हारा मतलब उपचार है ये नेक्स्ट।